तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं बड़ी बड़ी डिग्री वालों की पहली और आखिरी पसंद हूँ, समझे? मैं कम पढ़े लिखे लोगों की पहली पसंद हूँ, आखिरी नहीं, क्योंकि उनके पास संतरे, मौसमी, सत्तू, छाछ, नारियल पानी और नींबू की शिकंजी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे अंदर फास्फोरिक एसिड है और तुम्हारे अंदर? और मेरे अंदर आयरन है, आयरन। मेरे अंदर कैफीन है और तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर कैल्शियम है। सोडियम ग्लूटामेट है मेरे अंदर। मेरे अंदर ग्लूकोज है। मेरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। मेरे अंदर प्योर ऑक्सीजन है। मेरे अंदर कैफीन, आर्सेनिक, कैडमियम, पोटेशियम सॉर्बेट, मिथाइल बेंजीन, एस्पर्टेन। तुम्हारे अंदर क्या है? मेरे अंदर प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस और कई माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मुझे विदेश से आई कंपनियां बनाती है और करोड़ों रुपया भारत से ले जाती है, समझे? और यही तो फर्क है कोल्ड ड्रिंक। मैं किसान के खेत में पैदा होता हूँ और किसान की मेहनत और लगन के कारण अमृत बन जाता हूँ। अरे भाई, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए हर चीज तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें पैदा करने वाला किसान आत्महत्या करता है और मुझे पीने वाला इंसान वो भी मरता है, क्यों? उसको कई बीमारियां हो जाती है, कैंसर, शुगर, बीपी, ब्रेन हेमरेज, बहुत सारी बीमारियां। फिर भी मुझे बनाने वाले करोड़पति है और तुम्हें बनाने वाले रोडपति है। रोडपति। सच कह रहे हो कोल्ड ड्रिंक, सच कह रहे हो। पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्री वाले आज भी मानसिक गुलामी में डूबे हुए हैं। विदेशी कंपनियों के लाल, हरे, नीले, पीले रंगों में उन्हें क्वालिटी तो नजर आती है, लेकिन केमिकल नहीं। और यही तो बड़ा कारण है कोल्ड ड्रिंक, क्या लोग साइंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट कोई नहीं बन रहा। वरना ठंडा मतलब टॉयलेट की नकियों पीते, वो भी उस देश में, या पीने के लिए इतने सारे ड्रिंक्स हैं, वो भी हमारे जैसे। इसीलिए कहता हूँ, स्वदेशी अपनाएं और देश को खुशहाल बनाएं।